नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का के अंदर। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का हमें चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पे कम्युनिटी बाजार के बारे में जानेंगे कि आज सुबह कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, उस पर ऊपर मेहता की क्या राय है। रूपा जी, देख रहे हैं कैसे सीड का यहाँ पे दिसंबर वायदा 6558 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बीते सत्र में हमने कैसे सीड के वायदा बाजार को 6600 पर कारोबार करते हुए देखा था दिसंबर वायदा को, और 6700 का भी हाई लगाया था। आज देख रहे हैं ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है, तो क्या यहाँ से एक फिर से एक बाइंग निकलती हुई सामने आ पाएगी? देखिए, अभी फिलहाल जो है बिल्कुल डिमांड तो अच्छे खासे है, लेकिन अभी जैसे जैसे बाजारों के अंदर हम ट्रेडिंग देख रहे हैं, 6600 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी बहुत कम है। आज इनफैक्ट आज सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर दबाव के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। एडिबल ऑयल को छोड़ दे तो सारी कमोडिटीज आज जबरदस्त गिरावट दिखाती हुई नजर आ रही है। तो जहां तक कैस्टर्ड की बात है, तो कैस्टर्ड अभी नीचे में 6500 का सपोर्ट है, 6500 6680, अगर इसके नीचे लुढ़कता है तब ज्यादा गिरावट बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इसके अंदर तेजी बनी रहेगी और बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। और आने वाले दिनों में इनफैक्ट 6600 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आने पर 6800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी, ये सर बजे नजर डालें अगर बिनौला खल की कीमतों के ऊपर, तो देखिए बिनौला खल का दिसंबर वायदा भी अब 2498 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 2500 के लेवल से नीचे फिसल आए। आपको क्या लगता है, क्या इंट्राडे में आज बिनौला खल में नरमी देखने को मिलती रहेगी? देखिए, बिनौला खल में गिरावट नहीं है। देखिए, कॉटन के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली जरूर आई है। लगातार तेजी के बाद हमने ऊपर जबरदस्त हाई लगने के बाद कॉटन में फिसलन देखी है और उसका इंपैक्ट जो है इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा कोई गिरावट नहीं है, मुझे आने वाले दिनों में इस पे तेजी दिखाई देती है और मुझे लगता है कि बिनौला खल एक अच्छी कमोडिटी आगे साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल के अंदर तेजी बन सकती है और ये आने वाले दिनों में 2800-3000 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हम देख रहे हैं कि हल्दी लगातार तेजी की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबरें निकल के सामने आई कि जो उत्पादन है हल्दी का पहले के मुकाबले कम रह सकता है, और दूसरा इसकी जो एक्सपोर्ट डिमांड है ठीक ठाक ही है, और तीसरा ये है कि विंटर सीजन में हल्दी की जो कंजप्शन है वो थोड़ी बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से वायदे के अंदर भी हल्दी की कीमतें 7700 पर कारोबार करती हुई नजर आ चुकी हैं, तो क्या हल्दी 8000 के ऊपर भी जाती हुई नजर आ पाएगी? देखिए, अगर विंटर सीजन में थोड़ा सा डिमांड पिकअप होता है तो डेफिनेटली प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है और बाजार जो है थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी मार्केट के अंदर बाजार जो है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है। डिमांड जरूर पिकअप हुई थी निचले स्तरों पर और सप्लाई के डिस्टर्ब की खबरें भी निकल कर आ रही है, प्रोडक्शन जो हुआ है, लेकिन अभी जो है सस्टेनेबिलिटी बाजारों के अंदर 7500 के ऊपर अगर दिसंबर वायदा सस्टेन करता है तब तेजी लंबी बन सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि 7000 से लेकर 7400-7450 की रेंज इसके अंदर देखने को मिल सकती है। जी, ये सिर्फ जी बात करें कि धनिया और जीरे की, तो धनिया में देख रहे हैं कि दिसंबर वायदा 8000 के ऊपर अभी भी सस्टेन है। आपको क्या लगता है, क्या धनिया में 8500 के लेवल देखने को मिल पाएंगे, और जिस हिसाब से जीरा 15800 का लेवल दिखा चुका है दिसंबर वायदा में, तो क्या जीरा बहुत ही जल्द 16000 के लेवल्स भी अचीव कर पाएगा? देखिए, बिल्कुल 16000 का लेवल तो अचीवेबल है जीरे में, कोई बड़ी बात नहीं कि 16000 का स्तर देखने को मिले, लेकिन जहां तक धनिया की बात है, धनिया के अंदर भी तेजी ही है दिसंबर वायदा में, 8200 से 8500 का स्तर उस पर भी आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन बाजार जो है वो बहुत ज्यादा एक तरफा नहीं है। उठा पटक का माहौल लगातार मसालों के अंदर देखने को मिल रहा है, निचले स्तरों पर खरीदारी आती है तो वहीं ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं है जहां से फिर से प्रेशर देखने को मिलता है। फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल सपोर्टिव है, तभी रुक रुक के इसके अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। धनिया, जीरा, हल्दी, इन सब में तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है, छुटपुट खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो जहां तक धनिया की बात है, धनिया 8200 से लेकर 8500 का दिसंबर वायदा स्तर दिखा सकता है, और जीरा अगर 16000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तब तेजी की तरफ थोड़ा सा जा सकता है, तब 400-500 पॉइंट का और अपसाइड बन सकता है। फिलहाल के लिए जीरा मुझे 16000 तक ही दिखाई देता है दिसंबर वायदा जा सकता है। वहीं हल्दी की बात करें तो दिसंबर वायदा में हल्दी मुझे लगता है कि 7500 के आसपास सपोर्ट ले सकती है। जी, ये से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि कल की शानदार तेजी के बाद आज ग्वार कॉम्प्लेक्स कुछ हल्की सी करेक्शन के साथ कारोबार कर रहा है। आपको क्या लगता है, इंट्राडे में आज ये करेक्शन एक्सटेंड होगी या फिर यहाँ से भी एक खरीदारी निकल सकती है? देखिए, एक्सटेंड हो सकता है, जो ये गिरावट का दौर है ये बढ़ सकता है। अभी फिलहाल देखा जाए तो एक्सपायरी भी करीब आने वाली है,
तो जो नवंबर वायदा है उसको छोड़कर अगर दिसंबर वायदा की हम बात करें तो आज 13,000 के हाई के बाद इसमें ऊपरी स्तरों पर फिसलन आई है, तो 12,600 12,400 नीचे का स्तर हो सकता है देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। फिजिकल मंडियों में आप देखिए जबरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है, ग्वार सीड ग्वार गम दोनों में ही तेजी का रुझान है। इस करेक्शन के अंदर मुझे लगता है कि बाइंग में रहना चाहिए, ऊपर में सीड 7,000 के ऊपर एक बार फिर से जाते हुए दिखाई दे सकती है और गम जो है वो 13,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आने पर 13,500 के स्तर दिखा सकती है। जी ये शेरपा जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की तो खाद्य तेलों में आपकी क्या रहेगी, खाद्य तेलों में अभी क्या करके चलना सही रहेगा और कितनी की मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी आगे जाके? देखिए खाद्य तेलों में अभी फिलहाल जो है मेरे हिसाब से बाइंग को तो अवॉइड करना चाहिए, लंबी पोजीशन अभी फिलहाल इसमें नहीं बनाना चाहिए। सोयाबीन में जरूर एक थोड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है जिस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं, उसके चलते छुटमुट बाइंग जो है आ सकती है, 100-200 पॉइंट का तेजी जो है सोयाबीन करंट लेवल से दिखा सकता है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से एडिबल ऑयल पैक में अगर ऊपरी स्तर आते हैं तो वहां पर बिकवाली की रणनीति लेकर चलना चाहिए। जी जी बात करें अगर कॉटन की तो कॉटन में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कॉटन में हमने रिकॉर्ड लेवल्स बनते हुए देखे हैं तो क्या कॉटन 34,000 या 35,000 के लेवल्स भी दिखला पाएगी? देखिए अभी जो कॉटन है कॉटन में लगातार तेजी देखने को जरूर मिल रही है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो ये हल्की जो ऊपरी स्तरों पर गिरावट देखने को मिली है पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो लगभग 4% के आसपास बाजार लुढ़क चुका है, क्योंकि चीन में कॉटन कंजम्पशन जो है वो घटने का अनुमान लगाया गया है और उधर गुजरात और महाराष्ट्र में नई अराइवल्स भी शुरू हो चुकी है, इस वजह से थोड़ा सा गिरावट का दौर बना है। लेकिन उधर फंडामेंटल की तरफ नजर दौड़ाए तो पूरी दुनिया में कॉटन के प्रोडक्शन में गिरावट आई है, अमेरिका में भी उत्पादन जो है 3% कम रहने का अनुमान लगाया गया, जबकि भारत में भी उत्पादन कम रहने का अनुमान है, और अगर कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन में 2.9% की बढ़ोतरी दिखाई गई है, अमूमन 3% के आसपास की वर्ल्ड कॉटन कंजम्पशन ग्रोथ में बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कॉटन में अभी तेजी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन काफी कम है, डिमांड बढ़ती जा रही है और विंटर सीजन भी है, तो आने वाले दिनों में कॉटन के अंदर अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ये मुनाफा वसूली का दौर है और इसके अंदर जो भी निचले स्तर मिले वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, और जिनके पास फिजिकल में रखा है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा टाइम और रुक सकते हैं दिसंबर तक, तो मुझे लगता है कि इसमें एक नया स्तर देखने को मिल सकता है। रूपा जी आपकी तरफ से आज एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर बिनोला खल में खरीदारी करें, उसके अंदर तेजी बन सकती है। बिनोला खल के साथ साथ मुझे लगता है कि आपको ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर बाइंग करके चलना चाहिए। जी रूपा जी ये तो बात करी थी हमने कि किन कमोडिटीज में अच्छा मुनाफा मिल सकता है, वो कमोडिटीज कौन सी होंगी जिनमें आज खरीदारी या बिकवाली से बचना चाहिए, जिनको आज अवॉइड करना चाहिए, जिनमें आज नुकसान देखने को मिल सकता है? देखिए अभी फिलहाल जो है जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे लगता है एडिबल ऑयल पैक से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी उठापटक का माहौल है, इसके अंदर फिलहाल खरीदारी को अवॉइड करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र में कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।